सो हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं फिर से अनबॉक्स करने वाली हूँ मीशो के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किए हैं। मीशो कुर्ता सेट हॉल होने वाला है, ये प्रॉपर कुर्ता सेट नहीं है, कोट सेट भी आपको इसमें मिलेंगे। कुछ पाकिस्तानी सूट भी मैंने ऑर्डर किए हैं, वो भी अंडर 500। सो सारों का ही प्राइस मैंने अंडर 500 रखने की पूरी कोशिश की है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसे कुर्ता सेट हैं जो कोट सेट भी हैं, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 600 के अराउंड होंगे, और बाकी जितना भी प्राइस है वो मैंने 500 के अंदर ही अंदर रखने की कोशिश की है। जो फर्स्ट मैंने देख के ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर किया था एक कोट सेट एकदम नियॉन कलर में, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, एंड जो प्राइस पड़ा है मुझे वो भी आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। सो ये एकदम नियॉन कलर में है और काफ़ी अच्छा इसका कपड़ा मुझे रिसीव हुआ है, जैसा पिक्चर में शो किया था वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। बट इसका जो साइज़ है ना, वो थोड़ा सा एकदम फिट आया है अच्छे से, और मैंने एक्सेल में ऑर्डर किया था, एंड एक्सेल के अलावा यहाँ पे नियॉन में कोई और साइज़ अवेलेबल नहीं था। अगर आप कोई और कलर परचेस करते हो, वहाँ पे दो कलर ऑप्शन और आपको मिल जाएंगे, अगर आप उनमें से परचेस करोगे तो आपको साइज़ जो है ना वो मिल जाएगा। बट ये कपड़ा 100% कॉटन है, इसकी स्टिचिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बट इसका जो स्लीव्स का काज है ना, वो काज बटन जो होते हैं वो थोड़ा सा छोटा है, इसको वेयर करने में थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, बट साइज़ की वजह से सिर्फ अनकम्फर्टेबल लग रहा था। बाकी मैंने सोचा था कि थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि मैंने अपने से दो साइज़ इसको बड़ा परचेज़ किया था मेजरमेंट देख के। सो जैसे तैसे मैंने यहाँ पर स्लिंग बैग को लेके इससे अच्छे से स्टाइल करके दिखाया है। कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही कोई नेक्स्ट लेवल की है, बहुत अच्छी है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये मीशो से आपने ऑर्डर किया है। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉटन है एकदम 100%, एंड इसका जो नीचे का बॉटम वेयर है वो भी एकदम सिंपल बेसिक है, एंड इस पे जो ये लगी हुई ना स्ट्रैप्स दी हुई हैं वो भी कॉटन के कपड़े की ही लगी हुई हैं। पहनने पे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था, अगर आप पहनते हो इस तरह के कॉर्ड सेट तो बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है ये आपके लिए। फर्स्ट ऐसा सूट है जो मुझे 627 रुपीज़ का पड़ा था। इसकी क्वालिटी ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका फैब्रिक का जो कपड़ा है बिल्कुल भी आपको गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। सो इस तरह का फैब्रिक आप हर वेदर में पहन सकते हो, बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता है, एंड कम्फर्टेबल तो बहुत ज़्यादा रहता है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहाँ चेक कर सकते हो। एंड इसकी इलास्टिक पे अच्छे से सिलाई लगी हुई ना, जिससे वो फ्लिप हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ बाइंग है। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया था, ये एक कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट है प्रॉपर, इसमें आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये कुर्ता सेट मिलेगा, एक प्लाजो मिलेगा, एंड ये कुर्ती ये भी 100% कॉटन है, एंड इस तरह से ये लेस लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसका पहनने पे लुक ना बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। कैमरे पे थोड़ा सा आपको ये डल और लाइट कलर दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर सा है। इसका जो नीचे का फैब्रिक है ना, वो ग्रे कलर है, एंड प्रिंट इसके ऊपर ग्रीन कलर के फ्लावर से हुआ है। सो जो मैं आपको दिखाने की बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीज़ कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट डेली वेयर के लिए अगर आप इसे परचेज़ करोगे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको आयरन वगैरह करके घर में पहन सकते हो। कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉटन है तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहने वाला है, एंड अच्छी खासी इसमें स्टिचिंग बहुत ज़्यादा नीटनेस के साथ हुई है, इलास्टिक वगैरह लगी हुई है इसमें अच्छे से, एंड पॉकेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। जो बॉटम वेयर है उसमें आपको पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, लेस की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, एंड मुझे जो ये प्राइस में पड़ा था वो 458 रुपीज़। मैंने जो इसमें साइज़ पिक किया था वो एक्सेल किया था, अगर आप मेरी जैसी हाइट के हो तो आपको ये बहुत अच्छे से फिट आएगा। एक्सेल मैंने परचेज़ किया था, एंड वहाँ पर और भी सारे साइज़ अवेलेबल हैं, एंड इस तरह से स्ट्रैप्स आपको मिल जाती हैं इसको टाइट वगैरह करने के लिए, पीछे की तरफ आपको इलास्टिक मिल जाती है, एंड बॉटम वेयर में आपको इस तरह से पॉकेट्स भी मिल जाती हैं। सो 450 रुपीज़ में और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो आप, ना ही आपको स्टिचिंग करानी है, ना ही आपको कोई फैब्रिक जो होता है ना, खाली फैब्रिक भी अगर आप लेते हो टेलर वगैरह से स्टिच कराते हो वो भी अच्छे खासे महंगे पड़ जाते हैं। सो ये आपको 450 रुपीज़ में पूरा रेडी टू
वेयर मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है एंड फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा ही कोई अच्छा है। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया था ये एक पिंक कलर में थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक दे रहा है ये, और इसमें भी इस तरह से लेस लगी हुई है। इसकी जो शर्ट है एंड बॉटम वेयर इसमें आपको मिलेगा, दुपट्टा इसमें भी नहीं है, और इसमें आपको कोई कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस सेलर से मैंने परचेज़ किया है ना उसके पास, उनके पास ना कोई भी कलर ऑप्शन नहीं था, और मुझे ये पिंक कलर में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। जो इसकी शर्ट है ना वो इसी तरह से थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, थोड़ी शॉर्ट ही होती है क्योंकि ये इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह से परचेज़ करोगे वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे, बट मीशो पर मुझे बहुत सस्ते में मिल गया है। प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। इसमें भी मैंने जो साइज़ पिक किया है वो XL है। पहना ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके साथ मैंने स्लीव एक्सटेंडर को वेयर किया हुआ है। इस तरह से ये डोरियाँ आपको मिल जाती हैं, आप चाहे इसे पीछे बांध दो या फिर आगे, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर आपको एडजस्ट करना है तो ये उसके लिए है। बाकी इसका जिगजैग प्रिंट है, कपड़ा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रेयन कॉटन है, ये प्रॉपर कॉटन नहीं है, रेयन कॉटन है। एंड लेस अच्छी खासी इसमें ना चौड़ी सी लगी हुई है नीचे की तरफ भी, एंड नीचे बॉटम पर भी लगी हुई है, स्लीव में भी है, एंड जो पतली सी लेस है ना वो गले में डिटेलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड दूसरे सेलर के पास आई थिंक इसमें और भी कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप पिंक नहीं लेना चाहते हो तो आपको और भी स्काई ब्लू कलर वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्लीव्स पे इस तरह से आपको लेस मिल जाएगी एंड बॉटम वेयर एकदम सिंपल सा है, एंड बॉटम पे भी इस तरह से स्ट्रैप्स दी हुई हैं जिसको आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने साइज़ इसमें पिक किया था वो XL है, बट XL ना लगते हुए पता नहीं क्यों ये मुझे मीडियम लग रहा है। सो इस बारी ना बहुत ज़्यादा साइज़ का इशू हो गया है मेरे साथ, और मैंने ऑर्डर किया था सो मुझे तो ट्राई ऑन हॉल भी दिखाना ही था, बट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था फिर भी, क्योंकि बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी। अब मैं एक्सचेंज करती फिर उसके लिए मैं वेट करती, इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 525 रुपीज़, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सही है। मेरी हाइट जितनी है वो आपको स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगी, उस अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, सो इसे मैं एक्सचेंज वगैरह अब करा लूँगी दिखाने के बाद, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी ना 6 से 7 दिन लग जाते हैं, इस वजह से मैंने वेट नहीं किया। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया था वो भी एक कुर्ता सेट ही है, कॉटन का कुर्ता सेट है, एंड इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये थोड़ा सा डिसेंट मतलब थोड़ा सा अलग ही यूनिक पीस है। इस तरह के सूट आई थिंक पहले बहुत पहले चले थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी थे, और अभी ये फिर से दोबारा से ट्रेंडिंग में है। और इस तरह का ये फ्लोरल सा प्रिंटेड कुर्ता सेट है, और इसमें काफ़ी अच्छे कलरफुल फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, एंड इसमें आपको आई थिंक और कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे सेलर के पास, जिस सेलर से मैंने लिया है उनके पास यही था, क्योंकि मैंने इसकी रेटिंग देख के ली है, इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा 4 to 5 स्टार इसको मिले थे। एंड कपड़े का जो फैब्रिक का जो मटेरियल है वो बिल्कुल कॉटन है, एंड इस तरह से ऊपर गले के पास ना सीक्वेंट का वर्क है, कॉलर जो आपको नेक है ना वो कॉलर वाली मिल जाती है। अलग से मैंने ये दुपट्टा इसके साथ वेयर किया था वाइट कलर में, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर लास्ट में मैंने इसे हटा दिया था। बट इस तरह से आप कोई सा भी दुपट्टा मैचिंग का लगाओगे इसके साथ तो वो अच्छा लगेगा, बेसिक सा जो वाइट होता है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने ऐसे ही आपको पूरा प्रॉपर ये कुर्ता सेट दिखाया है, कुर्ता है। बाकी इसकी जो पटियाला सलवार है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका फिट मुझे बहुत अच्छे से आया था, और इसे भी मैंने अगेन XL में ही परचेज़ किया है। इस तरह से ये डोरियाँ यहाँ पर लगी हुई थी जिसे इस तरह से मैंने बांध लिया था, बाकी ट्राई ऑन हॉल आप देख सकते हो, वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको ऐसे ही छोड़ना है कि बांधना है, बट फिर भी इसे इस तरह से बांध के मैंने अच्छे से दिखा दिया। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। इस तरह से आपको यहाँ पे पॉकेट्स भी मिल जाती हैं। मीशो पे जितने भी कुर्ता सेट है, चाहे वो पटियाला हो चाहे वो कोट सेट हो, पॉकेट्स तो आपको मिलनी ही हैं, चाहे वो ऊपर कुर्ते में मिले या फिर बॉटम में मिले, पॉकेट्स ज़रूर मिलती हैं। एंड पहना हुआ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कैमरे में थोड़ा सा डल लग रहा है जिसमें मैं ट्राई ऑन हॉल दिखा रही हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा था पहनने पर। एंड इस तरह के जो प्रिंट हैं इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और सारे ही ट्रेंडिंग मैंने पिक किए हैं। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था 575 रुपीज़ पड़ा था, सो अभी भी ये स्टॉक में है। ये वाला कुर्ता सेट ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है।
नेक्स्ट मैंने जो परचेज़ किया था ये एक पाकिस्तानी कुर्ता सेट है, इसको मैं दो कलर में और भी पहले ले चुकी हूँ, उसका भी वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, सो चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक मैंने रेड कलर लिया था एंड जो दूसरा वाला है वो उसमें मैंने लिया था पर्पल कलर। इस बार जो मैंने लिया है लेमन कलर है ये, और मैंने देख के ऑर्डर किया था वैसा मुझे बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुआ है। कपड़े की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट जो पहले मैंने दो लिए हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, सो मैंने अपने पुराने वाले सेलर का ही लिंक आपको दिया है, अगर आपको इस वाले सूट को परचेज़ करना है सो जो सेलर का मैंने आपको लिंक दिया है उन्हीं से करना, नहीं तो आपको ये इस तरह का मटेरियल रिसीव होगा। नीचे मैंने अच्छे से लाइनिंग को पहन के आपको दिखाया है, कपड़ा बहुत ज़्यादा शियर है, फैब्रिक की क्वालिटी एकदम बेकार सी लोकल सी है, क्रेप मटेरियल है, स्टिचिंग भी कोई खास नहीं थी, मतलब वो क्लीन नहीं था जैसे कि बाकी सूट में होता है पहले जो मैंने लिए थे, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। एंड कलर ऑप्शन इसमें आपको 5 मिल जाएंगे, सो ऑलरेडी मैंने आज इसको मिला के 3 कलर को परचेज़ किया है, बट जो दो को किया था ना पहले वाले उसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल अगर लुक वाइज मैं इसकी बात करूं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है पहना हुआ, बलून स्लीव आपको मिल जाती है, एकदम पाकिस्तानी लगता है पहनने पे। आप इसके साथ नॉर्मल कोई सा भी दुपट्टा कैरी कर लोगे, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसका साइज़ वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से फिट आया था, बट इसमें बस यही कपड़े की जो फैब्रिक की क्वालिटी है ना उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस तरह से आपको पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, और जो दूसरे कलर अवेलेबल हैं शायद उसमें ऐसा ना हो, इस कपड़े में हो, बट रिस्क लेने से अच्छा है जिस सेलर से मैंने परचेज़ किया है मैं उसका लिंक ही आपको दूंगी। अगर आपको ये वाला सूट परचेज़ करना है तो आप उसी सेलर से परचेज़ करना। अगेन इसका भी प्राइस मुझे पड़ा था 575 रुपीज़, स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर दूंगी। लास्ट में जो मैंने लिया था वो एक कुवर्ट सेट है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये वाला, क्योंकि ये ज़ारा का ड्यूप है, आई थिंक, मुझे पक्का पता नहीं है बट ये आई थिंक ज़ारा का ही ड्यूप है। सो ये इस तरह से ब्लैक कलर में है एंड इस तरह से इस पर प्रिंट है कुछ येलो एंड गोल्डन कलर में। कैमरे पे बहुत एग्जैक्ट कलर अभी आपको दिखेगा, बट जो मैंने ट्राई ऑन हॉल दिखाया है उसमें इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा था क्योंकि वो फ्रंट कैमरे से मैंने शूट किया था। बाकी जो इसकी क्वालिटी है कपड़े की वो ठीक ठाक है, क्रेप मटेरियल है, बट लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तो 10/10 है। बाकी अगर आप फैब्रिक की बात करोगे तो ये क्रेप है, क्रेप बहुत ज़्यादा बेकार वाला क्रेप नहीं है, जो स्वेट को बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आने लगती है स्वेट जब आप करते हो ना, बहुत ज़्यादा जो बेकार क्रेप मटेरियल होता है उसमें बहुत बेकार सी स्मेल आती है, बट ये उतनी बेकार क्वालिटी का क्रेप मटेरियल नहीं है। ओवरऑल लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। सो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी इसको शो करने में, बट मैं और वेट करना नहीं चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। सो अगर आपको परचेज़ करना है तो ये भी कर सकते हो, लुक वाइज बहुत ज़्यादा प्रिटी है, प्राइस इसका मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, और इसमें बहुत सारे साइजेस भी अवेलेबल हैं, अगर आपको परचेज़ करना है तो आप कर सकते हो। ओके ओके वाली क्वालिटी है, जो स्टार्टिंग में मैंने कुवर्ट सेट दिखाया है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लुक वाइज भी बहुत प्यारा है, कलर ऑप्शन भी उसमें आपको मिल जाएंगे 2 से 3 कलर ऑप्शन, इसमें आपको सिर्फ 2 कलर ही मिलेंगे, बट ये भी लुक वाइज बहुत अच्छा है, अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज की वीडियो में कुछ इतने ही आइटम मैंने परचेज़ किए थे, सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो खौफनाक मंजर डेली हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सो उसको जहन में रख के फिलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दिल से दुआ करना। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।